नकाबपोश। हेलो, वेट, अरे वेट वेट वेट, वाओ, आई मीन वाओ, तो ये था तुम्हारा गुड बाय फॉरएवर, नाउ आई गेट इट, बट आई डोंट गेट इट मिस, मुझे तो लगता था शायद तुम्हारी दो नाक, या शायद तुम्हारी आईब्रो नहीं है, शायद इसीलिए तुम फेस पे मास्क पहनते हो, बट तुम तो एक मिनट मास्क, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? और वैसे भी इतने हैंडसम फेस को मैं मास्क के पीछे क्यों छुपाऊंगा? अरे बट अपना फेस दिखा के इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? अच्छा चलो अपना नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो बता दो। ये लड़की मेरा नाम और नंबर क्यों पूछ रही है? अरे तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा ये बता दो कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अच्छा छोड़ो, तुम्हारी लाइफ में आगे तुम्हारे प्लान्स क्या है यही बता दो। अरे कुछ तो बोलो। ओह हियर यू आर, चलें रे। ओह तो तुम्हारा नाम रे है, तुम भी यही काम कर रहे हो? यस। अब मैम क्या मैं रे से एक मिनट के लिए बात कर सकती हूँ प्लीज? राइट नाउ? या एक्चुअली हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मरीन रिसर्च पे काम कर रहे हैं, सो डोंट डिस्टर्ब अस प्लीज। अब बट मैम मुझे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था उससे। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है तो आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। But right now, we are very busy. चले रे। एप्लीकेशन? इस डीन का सीन क्या है? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट रिसर्च करनी है इसे कि इसने दो मिनट भी मुझे रे से बात नहीं करने दी? बालवीर, मैंने तुम्हें काल लोक जाने से मना किया था क्योंकि वहां का वातावरण अभी दूषित है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। शौर्य, अगर मैं आपके आदेश को मानता तो अपने बेटे होने का धर्म पूरा नहीं कर पाता, माफ कीजिएगा, लेकिन बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए मैं काल लोक चला गया इस धातु फल को लेने के। लेकिन वीर लोक के नियम का पालन करना तुम्हारा धर्म है और तुमने मेरा आदेश तोड़कर वीर लोक के नियम धर्म तोड़ा है। शौर्य, हो सकता है मैंने वीर लोक का धर्म तोड़ा है, लेकिन मैंने अपने बेटे होने का धर्म निभाया है। क्या आप खुश नहीं है शौर्य कि इस धातु फल की मदद से मां ठीक होने वाली है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम बाल परी ठीक हो जाएगी,
अरे तो फिर इंतजार किस बात का है बालवीर? धातु पल से बालवीर ठीक हो जाएगी, इस खुशी के मारे मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है। धपड़ 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 धपड़। शौर्य ये तो बहुत अच्छा शुभ संकेत है। ये धातु फल काल लोक से लाया गया है, इसलिए पहले इसकी शुद्धि की जाएगी, उसके बाद ही बाल परी पर इस धातु फल का प्रयोग किया जाएगा। रुक जा। अरे रुक। अरे विमान अटक तो गया। टिम्यांडी और बुराई से लेते हुए मुझे जितना डर नहीं लगा होता तो मुझे मम्मी से गान खिलवाने में लगता है। रुक, आज तो गया। क्या करूं, कहां छुपूं? रुक, कहां भाग रहे? रुक रुक। विमान, मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपा है। अगर तू आज बाहर नहीं निकला ना तो इतना डांटूंगी ना तो याद रखेगा। क्या करूं? अब तो एक ही आइडिया है, मम्मी के दिमाग से चंडू की उड़ने की मेमोरी ही मिटा दूं। ना रहेगी याद, ना होगी मेरी लाइफ बर्बाद। विवान बाहर निकल! विवान, विवान, विवान बेटा। हाँ मम्मी। मेरा प्यारा विवान, तुझे भूख नहीं लगी बेटा? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो चल ना, तेरी फेवरेट डिश बनाई है मैंने। मुझे लगा आज तो आप किसी डांट खाने से पेट भर जाएंगे। क्या? कुछ नहीं। चल ना। आई मिस्ड यू। चल। आंटी जी, आप विवान को समझा दीजिए। क्या बेटा? उसने मुझे पतंग समझाया क्या? ड्रोन में टांगकर हवा में उड़ा दिया था। मेरी स्विट्जरलैंड वाली लॉलीपॉप भी गिर गई और मुझे लेफ्ट लेग में इतना दर्द हो रहा है, मैं धड़ाम से नीचे गिरा। विवान, मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा। विवान! हाँ मम्मी। क्या किया तूने चिंटू के साथ? क्यों उड़ाया हवा में उसे? अरे सॉरी मम्मी, गलती होगी, प्लीज कान। अब मैं तुझे उड़ाती। चल मुन्नू, अपनी कान और जान बचाने के लिए लगता है फिर से माँ की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी। मैं तेरे कान क्यों खींच रही हूँ? बस ऐसे ही प्यार से। चलिए जल्दी घर चलते हैं। करुणा बेन, करुणा बेन, ये आप क्या कर रही है? अरे आप भी ना कमाल हो सच में। अरे एक तो विवान है, वो चिंटू को वो डोन बोन क्या बोलता है पता नहीं, अरे वो झूले में चिंटू को झूला झूला कर उसकी जान जोखिम में डाल दी, और आप उसकी विवान को लाड दुलार कर रही हो। अरे आंटी तू तो चुप बज रहे थे, मस्ती खोर कहीं का। अरे विवान। नहीं मम्मी। क्या किया तूने? अरे तेरे बाल किसे बिगड़ गए? चल ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फेवरेट डिश। हाँ। अरे बहुत सारा काम पड़ा मुझे। करुणा जी, आपका ये लड़का विवान काफी नेक और शरीफ है। वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर लगा हुआ है वहाँ काफी लोगों की मदद कर रहा है ये। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत नगर सोसाइटी में विवान जैसा लड़का कोई है ही नहीं। वेरी गुड विवान, वेरी गुड। थैंक यू। चलता हूँ। देखा क्या हुआ? चिट्ठी बुझ गई। मेरा मतलब आपकी दाल जल गई। मम्मी जल्दी जाइए। क्या? मैंने दाल चढ़ाई थी। मैं जल्दी जाइए विवान। अरे अनन्या दीदी, प्लीज मम्मी के सामने एक वर्ड भी मत बोलना। अरे नहीं विवान, मैं करना आंटी से बात करने थोड़ी आई हूँ, मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज देने आई थी। गुड न्यूज? फिलहाल तो मेरे लिए गुड न्यूज यही है कि मेरे दोनों कान मेरे फेस से जुड़े हुए हैं। क्या? कुछ नहीं, आप क्या बोल रही थी वैसे? मैंने नकाबपोश का फेस देख लिया है। क्या? वैसे अनन्या दीदी, आप मेरी फिरकी तो नहीं ले रही है ना? अरे नहीं विवान, और राइट नाउ वो प्रिंसिपल के कैबिन में है। क्या? और अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। मतलब आज मैं दोस्त को बिना मास्क के देखूंगा? वाह। हे, तुम्हें इस तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए, तुम्हें हमसे पूछे बगैर इस तरह इंसानों के बीच नहीं जाना चाहिए। रे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर उस लड़की को तुम पे शक हो जाता तो। लेक्स लेडी, हम जस्ट रिलैक्स।
ज्यादा हाइपर होने से आपके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए रिलैक्स। मेरे साथ बहस मत करो रे, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी एक गलती के वजह से बम्बाल श्री का बरसों पुराना सपना मिट्टी में मिल जाए? सब्र मिलसा, सब्र। रे को इतना डांट के कोई फायदा नहीं है, इसे अभी खुद ठीक से नहीं मालूम कि ये कौन है। मुझे, 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 मुझे भी जानना है कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें काललोक से उठा कर लाया था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं किसी जंगल में भटक रहा था, तभी आप मुझे मिल गए। स्वामी, 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 मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए। मिस्टर बी, इसकी भी विश पूरी कर दीजिए। शुक्रिया। यहाँ आओ। अब जाओ। शुक्रिया। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ काम क्या करोगे। अरे आप जा बोलेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे सुंदर, सुशील, मनमोहक, मनमोहिनी सुंदरी की बात को कोई टाल सकता है भला? बताइए, जल्दी से बताइए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? फिलहाल इस काललोक के प्राणी को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन इसकी याददाश्त वापस आएगी, तब ये उस महाताकतवर को पहचानने में हमारी मदद करेगा। वैसे दीदी, दोस्त दिखने में कैसा है? बिल्कुल ही हीरो है वो। आज के टाइम का स्टाइल, अपडेटेड लिंगो, बहुत ही हिप है। कहीं उसकी दो नाक तो नहीं है ना? नहीं, कूल। चलो, अब जब हम धरती पर नहीं होंगे तो वो काललोक का आदमी हमारी आंख और कान बनकर इस जगह की और इस खुफिया दरवाजे की निगरानी करेगा। चलो अब हम रे को अपनी दुनिया दिखाते हैं। Awesome. Let's go. Wait. ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है कि तुम लोग जब मर्जी यहाँ वॉक पर चले आते हो। Get out. Stay away. आप कौन है? ये रही वो जगह जहां पिछले 20 साल से तुम एक कवक के अंडे के अंदर कैद थे।
और इस कैद से हमने तुम्हें आजाद किया है रे, इसलिए ये पानी की दुनिया तुम्हारा पहला घर होगा। इस लॉजिक से तो आप दोनों मेरे मॉम डैड हुए, राइट? रे, एक बात का ख्याल रखना, आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए बांबाल श्री के वफादार रहोगे। इनके लिए अपना सर कटाने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना होगा। सब्र मिलसा, सब्र। रे हमारे लिए सर कटवाएगा नहीं, हमारे लिए सर काटेगा। ये हुई ना बात मिस्टर बी, क्योंकि मैं पूंछ हिलाने के लिए नहीं बल्कि गर्दन मरोड़ने के लिए पैदा हुआ। चलो अब तुम्हें हम शिंकाई की राजधानी दिखाते हैं। प्रिंसिपल अघाड़ी के परमिशन के बिना अंदर घुसना मना है, समझे तुम लोग? हाँ हाँ समझ गए, लेकिन हम तो यहाँ दोस्त से मिलने आए थे। है यू नॉटी बॉय, तुम तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो फिर कॉलेज में कौन सा दोस्त ढूंढ रहे हो? एंड यू कम हियर, हैं यू सिलिगल, कम हियर। तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हो या दोस्ती? एक्सक्यूज मी, यू आर एक्सक्यूज्ड। चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं ही प्रिंसिपल की तरह तुम्हारी पिटाई करना शुरू कर दूंगी। ओह माय गॉड, वेयर इज माय स्टिक, यू सिली बॉय। चलो गेट आउट, गेट आउट। अरे बहुत ही ओल्ड स्कूल है अब तो, हमें छड़ी से डर आ रही है। और बाय द वे, आप है कौन? कोई चोर वोर तो नहीं है? हाउ डेयर यू, मैं यहाँ की रिसर्च हेड हूँ, मेरा नाम है मिस ब्रिगेंजा। आज ही ज्वाइन किया है मैंने। रिसर्च हेड? किस चीज का रिसर्च करती हैं आप मिस ब्रिगेंजा? टॉप क्लास का बिजनेस है, सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को ही समझ में आता है, समझे तुम लोग? यू गेट आउट, चलो निकलो यहाँ से। हाँ 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 ठीक है हो जाएंगे हम गेट से आउट, लेकिन एक्सक्यूज मी, हम दोस्त से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाले। एक्सक्यूज मी, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। यू नॉटी बॉय एंड सिली गर्ल, मैं ही जाती हूँ यहाँ से। ओह गॉड, लेट इट बी विवान, हम लोग नीचे ही जाके रे का वेट कर लेते हैं, वो कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही ना। वैसे अनन्या दीदी, आर यू श्योर आपने जैसे देखा वो दोस्त ही था, या फिर आपको मिस्टेक इन आइडेंटिटी का धोखा भी हुआ हो सकता है? ट्रस्ट मी विवान, ये आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ठीक है चलिए दीदी। दीदी दीदी चलिए। अब माँ क्या हुआ? माँ आगे खोलिए, माँ बालवीर, बालवीर तुम ठीक तो हो ना? बालवीर माँ, बालवीर एक बेटा अपनी माँ के बिना कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन माँ अब आप ठीक हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है।
sky. Wow! शिंकाई का कैपिटल तो बहुत ही अमेजिंग है मिस्टर बी। क्या मैं पैलेस को और पास से देख लूं? नहीं। तुम राजमहल के करीब नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मिस्टर बी? क्योंकि जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार पर दूर से नजर जमाता है और फिर घात लगाता है और मौका मिलने पर झपटा मारता है। वो 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 मिस्टर बी, मैं अभी अभी अंडे में से बाहर आया हूँ, रिमेम्बर? थोड़ा डिटेल में बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जिस तरह तुम कवक के अंडे के अंदर 20 साल से कैद थे, उसी तरह मैं भी कई बरस से राजमहल से दूर हूं। What? That means आप शिंकाई के किंग नहीं हैं? That means मैं भी शिंकाई का प्रिंस नहीं हूं। शिंकाई की राज गद्दी तो मेरी ही है, लेकिन इस वक्त मेरा हक छीनकर कोई और उस पे बैठा हुआ है। Wow, मिस्टर बी, आपके लाइफ की मिस्ट्री तो शिंगाई के पानी से भी डीप है। सही वक्त आने पर मैं ये पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा रे। कूल मिस्टर बी, जब भी आपको फिट लगे बता दीजिएगा। मैं ये कहानी तुम्हें अभी नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखना चाहता हूं, जिसमें शिंगाई की राज गद्दी ही नहीं पूरी कायनात होगी। I can feel you, Mr. B. लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम बामबाल श्री का हर हुक्म अपनी दिलो जान से पूरा करो, जैसे कि मैं करती हूँ। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ लेडी एम, ट्राई मी। अब पता चलेगा कि रे जिन चुनौतियों से आगे लड़ने वाला है, उसके लिए वो तैयार है भी या नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।